पूरी अराजकता का वातावरण बना दिए हैं। आज ईमानदार और अच्छे ऑफिसर्स को कहीं न कहीं हतोत्साहित डिमोरलाइज किया जा रहा है, और ये बाहर के जो पदाधिकारी हैं, जो मुख्यमंत्री के दुलरुआ लोग हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 और आपके साथ मैं हूँ वसीम खान। के पाठक के बाद सुबह आदकर के गाली गलौज ने बिहार की राजनीति को गरमा दी है, और इसी कड़ी में विजय सिन्हा नेता प्रतिपक्ष ने जमकर निशाना साधा है सुशासन की सरकार पर, और कहा है कि जिस तरीके से बड़े बड़े अधिकारी एक दूसरे को गाली गलौज कर रहे हैं, ये बिल्कुल सही नहीं है, कार्रवाई की भी मांग कर रहे हैं। सबसे पहले आप विजय सिन्हा को सुनिए। देखिए, आज बिहार के अंदर जो गाली गलौज पदाधिकारियों के द्वारा किया जा रहा है, घोर प्रशासनिक अराजकता का वातावरण दिखाई पड़ रहा है। ये राजनीतिक अस्थिरता के कारण है। मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री कुर्सी के चक्कर में पूरी अराजकता का वातावरण बना दिए हैं। आज ईमानदार और अच्छे ऑफिसर्स को कहीं न कहीं हतोत्साहित डिमोरलाइज किया जा रहा है। बिहार प्रशासनिक सेवा के लोगों को गाली गलौज करके डिमोरलाइज करना, बेइज्जत करना, एक अच्छे ईमानदार पदाधिकारी जो चर्चित भी हैं विकास वैभव जी, उनको जिस तरह से बेइज्जत और अपमानित करना, और ये बाहर के जो पदाधिकारी हैं, जो मुख्यमंत्री के कहीं न कहीं दुलरुआ लोग हैं, सरकार के चलाने वाले और सरकार के भ्रष्टाचार को छुपाने वाले लोगों की जो जमात है, उसके कारण इन लोगों को हतोत्साहित डिमोरलाइज किया जा रहा है। आज सरकार में बैठे जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन बाबू क्यों मौन है? अखिलेश सिंह कांग्रेस के लीडर हैं, क्यों मौन है? एक ईमानदार और अच्छे अफसर पर क्यों आवाज नहीं निकल रही है? जाति के नारा देते हैं, जाके समाज में वोट मांगते हैं कि मैं भी भूमिहार हूं, और सिर्फ भूमिहार की नहीं, किसी भी जाति के अफसर के साथ ये व्यवहार हो तो खुल कर करके आज बिहार के बासा के लोगों के साथ हुआ है। हर समाज का लोग, हर जाति का पदाधिकारी है, लेकिन जिस तरह से बिहार के पदाधिकारियों को अपमानित करना, बेइज्जत करना, और ये भ्रष्ट पदाधिकारी जिसको मुख्यमंत्री का संरक्षण मिलता है, जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, पार्टी में बैठे हुए बड़े बड़े लोग की आवाज नहीं निकल रही है। हम कहना चाहेंगे कि इन लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए और उनको माफी मांगना चाहिए। संवैधानिक शपथ लेकर आते हैं लोग, अनुशासनहीनता के कार्य करने वाले कैसे अनुशासन पालन कराएंगे? इनसे कतई ये उम्मीद नहीं है। और अगर जो ये अल्पसंख्यक समाज के लोग होते तो तुष्टिकरण की राजनीति में किस तरह से खुल करके सब लोग लाठी लेकर खड़े हो जाते। आज अल्पसंख्यक समाज के पदाधिकारी पर कोई आवाज उठाता है तो लगता है जैसे आसमान जमीन पर उतर गया, लेकिन बिहार के पदाधिकारी का अपमान। तो आपने सुना, नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा को साफ तौर पर कहते नजर आ रहे हैं कि अब तो बड़े बड़े प्रशासनिक अधिकारी भी गाली गलौज पर उतर आए हैं, और जिस तरीके से गालियां बरसाई जा रही है ये सही नहीं है। और प्रशासनिक सेवा में रहते हुए जिस तरीके से बड़े अधिकारी, पहले के पाठक, एक बड़े तेज तरार आईएएस अधिकारी, और अब शोभा ओतकर का नाम निकलकर सामने आ रहा है। विकास वैभव ने ट्विटर हैंडल से जो ट्वीट किया, और लगातार ट्वीट का बौछार कर रहे हैं आईपीएस और विकास वैभव। उसके बाद बिहार की सियासत लगातार गर्माती जा रही है, टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, और उस टेम्परेचर का मापदंड विजय सिन्हा बता रहे थे। खैर, इस वीडियो में इतना ही। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तुरंत सब्सक्राइब कर ले। कैमरा पर्सन जैकी के साथ मैं वसीम, पटना।